जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों सबसे पहले हैप्पी नवरात्र सभी को। कल नहीं विश कर पाई, कल पहला था, आज सेकंड है, कोई बात नहीं, नौ दिन माता रानी के नाम, जय माता दी। तो दोस्तों करते हैं धमाकेदार तरीके से अपनी क्लासेस शुरू। मैंने पॉलिटिकल साइंस के यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए 4 से 5 लेक्चर डाल रखे हैं, उसे जाके देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। दोस्तों उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। मतलब यूपीएससी पीसीएस की भी तैयारी करती हूँ, तो ऑप्शनल भी है मेरा पीएसआईआर, तो अच्छे से मैंने करवाया। आपको उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर एनालाइज करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं वो, तो उसको जाके देखे वीडियो, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। उससे बाहर दोस्तों प्रोमिस करती हूँ कुछ नहीं जाएगा। जब आप एग्जाम देंगे और देकर आएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि मैम प्रीति मैम जो आपने कराया था वही आया है। और मैंने हिस्ट्री के भी लेक्चर डाल रखे हैं दो, तो वो जाके देख ले, और थोड़ा सा बचा हिस्ट्री का वो भी कंप्लीट करा दूंगी। दोस्तों आज हम करेंगे साइंस, क्योंकि साइंस में मैंने देखा बच्चों को काफ़ी क्वेरीज हैं, काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है। साइंस का दोस्तों है ही, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पैट में साइंस भी 5 नंबर का ही आना है। और लेकिन साइंस का ना जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, मतलब बहुत ही बड़ा है। इसमें देखो यूपी ट्रिपल एससी पैट में साइंस के 3 पार्ट्स है। एक तो है भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, सेकंड है रसायन विज्ञान, और थर्ड है जीव विज्ञान, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट का एक ही सब्जेक्ट है, और ये काफ़ी लेंथी है। जो भौतिक विज्ञान है इसके भी मैंने प्रीवियस ईयर में देखे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रसायन से भी और जीव विज्ञान से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, ये 1-2 में कंप्लीट होने वाली नहीं है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको 4-5 दिन में कवर कर लेंगे। आज मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, आज आप मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगी, इसके क्वेश्चन कराती हूँ, और फिर ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ कराऊंगी, कुछ कल करा दूंगी, फिर बचेगा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसकी हम दोस्तों दिन में कोशिश करूंगी, जैसे भी टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेके, मतलब 4 दिन में हम, मेरा टारगेट है अपने साइंस को कंप्लीट कवर कर लेंगे, फिर हमें और भी सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस ईयर में मैंने पूरा एनालाइज किया, मैंने देखे हैं कि मात्रक, मापन और मापक यंत्र से काफी क्वेश्चन बने हैं। कैसे बने हैं, इसमें जैसे लंबाई का है ना, लंबाई का मात्रक क्या है, समय का, ताप का, विद्युत धारा का, ज्योति तीव्रता का, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में। किससे पूछा गया, लंबाई का देखा मैंने, विद्युत धारा का देखा, और ये अपना जो ध्वनि है जिसको हम डेसिबल में मापते हैं इसको देखा, और भूकंप का देखा। बाकी अब दोस्तों वही तो आएंगे नहीं जो प्रीवियस ईयर में पूछा, ये थोड़ी ना वो वही उठा के दे देंगे, वो अपने और क्वेश्चन बनाएंगे। तो जितने भी मात्रक मापक है मैंने, जो मुझे महत्वपूर्ण लगे मैंने सब लिख दिए हैं। अब मैं आपको उन्हें समझाने जा रही हूँ कि इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और आप कैसे उनको हैंडल करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट है जैसे लंबाई है, लंबाई को हम किस में नापते हैं, तो लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। लंबाई को दोस्तों किस में नापते हैं, लंबाई को नापते हैं मीटर में। और समय जो हमारा टाइम होता है उसको किस में नापते हैं, समय को नापते हैं सेकंड में। किस में नापते हैं, समय को मापते हैं हम सेकंड में, ठीक है दोस्तों। ताप, जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसको नापते हैं हम ताप को केल्विन में। किस में मापते हैं, केल्विन में, ठीक है दोस्तों। और विद्युत धारा, विद्युत धारा को नापते हैं दोस्तों एम्पियर में। किस में नापते हैं, एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में, ज्योति तीव्रता। और ये ज्योति तीव्रता का सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पैट में नहीं देखा है मैंने, काफ़ी एग्जाम में देखा है मैंने, इसे यूपी पीसीएस में भी देखा था, उसमें भी एक बार क्वेश्चन बना था कि ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं। तो ये दोस्तों ये याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योति तीव्रता को नापते हैं दोस्तों कैंडेला में, कैंडेला में, ठीक है। द्रव्यमान को, द्रव्यमान जो है दोस्तों इसको मापते हैं किलोग्राम में, दाब। अब ये 3 है दोस्तों, ऐसे दे देंगे, प्रतिबल दे देंगे, ये 3-4 है। एक तो है दबाव, दूसरा है दाब, तीसरा है प्रतिबल। तो अगर दबाव आया तो भी पास्कल है, दाब आया तो भी पास्कल पे लगाना है, और प्रतिबल आया तो दोस्तों तो भी आपको पास्कल पे ही लगाना है। तो ये 3 तरीके से पूछे जाएंगे आपको, क्या क्या है, दबाव, दाब, प्रेशर और प्रतिबल। इनमें से 3ों में से कुछ भी आए ना तो आपको पास्कल ही लगाना है। फिर है, इसमें भी 3 है दोस्तों, ऊर्जा, ऊर्जा है, शक्ति है और कार्य है। क्या क्या है, ऊर्जा है,
शक्ति है कार्य है, एक और था ऊर्जा, ऊर्जा शक्ति कार्य। तो दोस्तों इसको नापते हैं जूल में, जूल में या सेकंड में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों ऊर्जा आए, शक्ति आए, मतलब एनर्जी आए, पावर आए, वर्क आए, तो आपको ध्यान रखना है कि जूल पे टिक लगाना है। तो ये तीन तीन मतलब छह हो गए, ये यहाँ दाब, दबाव, दाब, प्रतिबल और ऊर्जा शक्ति कार्य, छह तो यही हो गए। इसमें तीन का है तो पास्कल और इसमें तीन का है तो जूल। अब दोस्तों ध्वनि जो साउंड होता है, साउंड को किसमें नापते हैं दोस्तों? साउंड को नापते हैं हम डेसिबल में। किसमें नापते हैं? डेसिबल में। दोस्तों ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। जो ध्वनि होती है आवाज होती है उसको किस में मापते हैं दोस्तों? ये नापते हैं डेसिबल में। आवृत्ति, आवृत्ति को दोस्तों नापते हैं हर्ट्ज में। किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। आवृत्ति, आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। भूकंप जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, भूकंप से भी दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, मैं पहले ही बता देती हूँ, लेकिन मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं और इसको बार बार सुन भी सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बोर्ड का फोन सेट इसी तरीके से होता है, तो कोई नहीं, अभी ये वैसे ही बोर्ड है ना, सिंपल डिजिटल लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी इसी पे मैनेज करते हैं, लेकिन मैं आपको बोल के समझा रही हूँ तो आप अपना नोट कर लेना इसके लिए दोस्तों, सॉरी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो भूकंप को नापते हैं दोस्तों रिएक्टर स्केल में। आवाज तो जा ही रही होगी आपको, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रिएक्टर स्केल। भूकंप को किस में नापते हैं दोस्तों? रिएक्टर स्केल में नापते हैं। तो दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इनमें से चार से पांच, बाकी मैंने जितने भी महत्वपूर्ण थे, छह ये हो गए, ग्यारह ये हो गए, मतलब कम से कम ये 14-15 है मात्रक मापन से, ये इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, आप देख लेना। इन्हीं को आप ना बार बार रिवाइज करना, और कुछ नहीं है, इसको ना आप कैसे याद करोगे? तीन चार बार बोलते जाना ऐसे, कैसे, जैसे लंबाई को मीटर, समय को सेकंड में, ध्वनि है जो इसको डेसिबल में, तो आप 6-7 बार ऐसे बोलोगे ना तो आपको आराम से ये याद हो जाएंगे, टिप्स पे हो जाएंगे। जैसे मुझे सारे याद है ये लगभग, तो आपको भी ऐसे ही हो जाएंगे, जैसे घूमते फिरते हैं ना तो अपने माइंड में रिवीजन करते रहें। तो दोस्तों मूव करते हैं, ये क्वेश्चन वो हो गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मापन, मात्रक और मापक से। अब करते हैं जो और क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन बना है यहाँ पर, जी का मान पूछा गया है, जैसे जी का मान न्यूनतम होता है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है और जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो दोस्तों जो जी का मान है ना, ये न्यूनतम मतलब कम होता है विषुवत रेखा पे। आपको चार ऑप्शन देंगे, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, या दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो जी का मान है वो न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। अब न्यूनतम तो हमें पता चल गया, न्यूनतम तो पूछ लिया ना प्रीवियस ईयर में, अब कैसे क्वेश्चन आगे बनेगा? न्यूनतम पूछ लिया, क्या पता इस बार अधिकतम से पूछ ले। तो दोस्तों अधिकतम में ये होगा, जी का मान अधिकतम, अधिकतम कहाँ होता है भाई? लाल चिट्टी पता ना कहाँ से आ रही, मैं सोचे क्या काट रहा भाई, काट लिया मैंने लाल चिट्टी ने इतनी देर होगी, परेशान सी हो रही मैं, लेकिन कोई नहीं, पढ़ाई पे पूरा फोकस था, मैं सोची बाद में देख लूँ, काट ही लिया इसने, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, लाल चिट्ठी थी, काट लिया मेरा पूरा पढ़ाई पे, लेकिन मैं सोची बाद में देख लूँगी, चलो कोई नहीं, मर गई अब ये, भाई माता रानी माफ़ करना, एक हत्या सी होगी और इतनी तेज काट लिया, क्या करूँ। छोड़ो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। जी का मान मैंने न्यूनतम बता दिया विषुवत रेखा पर, और दोस्तों अधिकतम पूछेंगे, हमें खांसी आ गई, मैं सच्ची में काट लिया, देखो यार ना दफड़ सा हो गया, दर्द हो रहा, छोड़ो पढ़ लेते हैं यार। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब चिट्टी काटे तो लाल वाली थी, काली भी ना थी, दर्द सा हो रहा, चलो कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है। दोस्तों जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, और अगर अधिकतम आए, अब नेक्स्ट में क्या पूछ सकते हैं, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्तरी ध्रुव पर, मतलब कि नॉर्थ पोल पर, कहाँ पर? नॉर्थ पोल पर, ठीक है। अधिकतम आए तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया एरो, अधिकतम आए ना जी का मान अधिकतम, तो आपको लगाना है उत्तरी ध्रुव पर, और न्यूनतम आए तो लगाना है विषुवत रेखा पर। तो दोस्तों ये था, मैंने जी का मान बता दिया, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अब की बार न्यूनतम से पूछा गया था पिछले एग्जाम में, इस बार अधिकतम से आने की संभावना है, तो मैंने आपको दोनों करा दिए। रिपीट भी हो सकता है तो ये लगा देना, बहुत ईजी है, नहीं हुआ अधिकतम पूछा तो उत्तरी ध्रुव लगा देना, सिंपल है। तो दोस्तों सेकंड क्या,
अदिश राशियों से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, दो तीन क्वेश्चन मैंने देखे प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां, अदिश राशियों से पूछे गए हैं। जैसे अदिश राशियां चार पांच दे देंगे आपको, कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, ऐसे, तो उसमें पूछेंगे इसमें से कौन सी अदिश राशि है। तो दोस्तों है या नहीं है पे आपका सबसे पहले फोकस जाना चाहिए। अगर आपको ये पता है ना कि अदिश राशियां जो है वो कौन कौन सी है, तो आप जो नहीं है उसको इजिली फाइंड आउट कर पाओगे और उसको एलिमिनेट करके खत्म, मतलब वो आपका राइट ही होगा। तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना, उसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी आप अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और 85 प्लस स्कोर करेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ आपको अदिश राशियां, अगर आपको अदिश राशियां याद है ना तो आप अगर सदिश आई तो उसको इजिली छाट दोगे। तो दोस्तों आपको ये अदिश राशियां याद कर लेनी है, ये 7-8 है। फर्स्ट है कार्य, सेकंड है द्रव्यमान, थर्ड है दूरी, फोर्थ है समय, फिफ्थ है चाल, सिक्स्थ है दाब, सेवन है अपना शक्ति, एट है आवेश, नाइन है विद्युत धारा और 10 है अपने आयतन। तो दोस्तों ये टोटल 10 अदिश राशि है। तो दोस्तों आपको ये पूरी अदिश राशियां याद कर लेनी है। अगर आप अदिश इनमें से ना ऐसे होता है जैसे अदिश है सदिश है, अगर आपको अदिश अदिश याद कर लो सदिश रहने दो तो सदिश आप खुद ही एलिमिनेट करके और आंसर को राइट कर दोगे। तो याद करने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का दोस्तों यही तरीका होता है। अब मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है जैसे ऐसे है नदी का बहता हुआ जल, जैसे नदी है आपको पता है नदी रुकती तो है नहीं, बहती रहेगी, फ्लो होता है कभी तेज कभी, मतलब बहती रहती है, रुकती नहीं है। तो क्वेश्चन है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर भी ऐसे ही है जैसे मैंने एग्जाम्पल दे के बताया। तो क्वेश्चन क्या है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है। तो दोस्तों ये संवहन करता है गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का। तो दोस्तों ये कैसे याद रख सकते हो कि नदी है रुकती तो है नहीं, गति करती रहती है, तो अगर आया कि ये किस ऊर्जा का संवहन करता है नदी का बहता हुआ जल, तो आपको याद रखना है कि नदी, मैडम ने बताया था कि गति करती रहती है, तो गतिज ऊर्जा उसका आंसर लगा देना, राइट ही होगा, गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक गतिशील बस, जब हम बस में बैठते हैं गतिशील होती है, कहीं से कहीं जाना होता है, तो जब एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है तो नियम का पालन होता है। दोस्तों जब हम कभी भी सफ़र करते हैं, किसी को कॉलेज बस से जाना होता है, किसी को कोचिंग, किसी को लाइब्रेरी, किसी को कहीं, तो हम किसी वाहन का प्रयोग करते हैं अधिकतर, जैसे हम बस का या किसी ऑटो, ये ऑटो में भी होगा, ये बस का, यहाँ पर बस का एग्जाम्पल दे रखा है। तो जब हम बैठते हैं कुछ आगे आ गया तो एकदम झटका लगेगा, ठीक है, तो ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ ही झुकते हैं, तो उसमें पूछने हैं कि कौन सा नियम लगता है। तो दोस्तों इसमें लगता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, किसका, न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है जब वो ब्रेक लगता है ना बस में और हम आगे की तरफ जाते हैं, तो उसमें लगता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिजिक्स कराया आज मैंने आपको, आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, इससे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, रिपीट जो प्रीवियस ईयर में वो भी करा दिए और जो आने की संभावना है वो भी करा दिए, और इससे रिपीट भी हो जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप इन सब की रिविज़न करना। अभी इसके अभी नहीं, एक दो क्लास और लगेगी, उसमें हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे अपने रसायन विज्ञान पर। तो दोस्तों चलो यही थी आज की क्लास, आप इसको देखना, रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ाई करो और बस खुश रहो। चलो फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।